तीन शहरी और दो गांव की बेटियां, विमला अपने पति राजेश और पांच बेटियां कोमल, पायल, साक्षी, जानवी, अनीता के साथ एक छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। राजेश उसी गांव में ईंटें बनाने वाली भट्टी में काम करता था। एक दिन शाम में राजेश की तीन छोटी बेटियां साक्षी, जानवी, अनीता दौड़ते हुए अपने परीक्षा का रिजल्ट लेकर अपने घर आती हैं। माँ जी, पिताजी, देखिए हम तीनों बहनें 12वीं में पास हो गए। क्या मेरी तीनों बेटियां पास हो गईं? अरे वाह वाह वाह! खूब तरक्की करो मेरी बेटियों, इसी तरह अपने जीवन में कामयाब होती जाओ। पिताजी, हम अपनी आगे की पढ़ाई शहर जाकर करना चाहते हैं। बिटिया, शहर की कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और तुम तो अपनी परिस्थिति जानती ही हो ना। बेटियों, मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा अब। हमें आगे पढ़ाई करने दीजिए ना पिताजी। नहीं बिटिया, हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते। हमारी हैसियत ही नहीं है तुम्हें आगे पढ़ाने की। जितना हमारे बस में था हमने तुम तीनों को उतना पढ़ा दिया, अब और नहीं। ये सुनकर तीनों दुखी होकर अपने घर के आंगन में जाकर बैठ जाती हैं। माँ, ये तीनों तो दुखी हो गईं। क्या करें कोमल बिटिया, अब इनकी पढ़ाई के लिए क्या अपने आप को बेच दें हम? दो दिन जैसे तैसे बीते जाते हैं। एक दिन राजेश अपनी भट्टी पर काम कर रहा था, तभी उस भट्टी की सारी गर्म ईंटें घसक कर राजेश और दो मजदूरों पर गिर जाती हैं, जिसमें राजेश और उन मजदूरों की मौत हो जाती है। राजेश की मौत के बाद विमला और उसकी पांचों बेटियां पूरी तरह से टूट चुके थे। पति की मौत के बाद विमला दमे की बीमारी का शिकार बन चुकी थी। कुछ दिन बाद घर में जितना राशन पैसा था वो सब बीते गुजरे दिनों में खर्च हो चुका था। एक दिन सवेरे, पायल, अब हमें ही कुछ काम करके पैसे कमाने होंगे। माँ की हालत देखो, ऐसी हो गई है घर में अन्न का दाना नहीं, पास में एक पैसा नहीं, और अब तो पिताजी भी नहीं है। अब जीवन का गुजारा करने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। हाँ कोमल बहन, मैं एक काम करती हूँ, गांव वालों के कपड़े सिलाई का काम करती हूँ, मैंने तो सिलाई का कोर्स भी कर रखा है। अच्छा, तो फिर मैं गांव में जाकर कोई काम करती हूँ, कम से कम हमारी कमाई से अपने परिवार का गुजारा तो चलेगा। दीदी, हम तीनों भी आपके साथ काम करके पैसे कमाएंगे। नहीं साक्षी, तुम तीनों काम नहीं करोगी, मुझे पता है तुम तीनों अपनी पढ़ाई छोड़कर बहुत दुखी हो चुकी हो। बचपन से माँ पिताजी के लिए हमने पढ़ाई नहीं की, पिताजी ने बड़ी उम्मीदों से तुम तीनों को पढ़ाया है, पर गरीबी की हालत देखकर वो तुम तीनों को पढ़ाई करने से मना कर रहे थे, पर अब तुम तीनों पढ़ाई करके अपने पिताजी का सपना पूरा करो। हाँ बहनों, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च हम दोनों उठाएंगे। ये सुनकर साक्षी, जानवी, अनीता अपनी बड़ी बहनों के गले लिपट कर खूब रोने लगते हैं। दीदी, हम तीनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और एक कामयाब इंसान बनकर दिखाएंगे। उसके बाद कोमल, पायल अपना घर उसी गांव के सेठ दर्पण के पास 50,000 रुपए में गिरवी रखकर अपनी बहनों का शहर की कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। साक्षी, जानवी और अनीता ये तीनों शहर में कॉलेज की हॉस्टल में रहने चले जाते हैं और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। इधर पायल घर में गांव वालों के कपड़े सिलाई का काम करने लगी और कोमल दर्पण के खेत में मजदूरी का काम करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात में, पायल, माँ की दवाई ले आई तुम? हाँ दीदी, पर मेरे पास थोड़े ही पैसे थे इसीलिए 8 दिन की ही दवाई ला पाई मैं। अच्छा, देखो सेठ जी ने आज मुझे 5,000 रुपए दिए, इसमें 2,000 में हम घर में राशन भर लेते हैं और 2,000 बहनों की पढ़ाई के बॉक्स में डाल देते हैं और 1,000 माँ के इलाज के लिए रख देते हैं। तभी शहर से साक्षी का फोन आता है और पायल साक्षी से बात करती है। थोड़े समय बाद, दीदी, साक्षी कह रही थी उनके ओरल परीक्षा आने वाले हैं, तो कॉलेज वालों ने तीनों की परीक्षा फीस 6,000 रुपए मंगाए हैं। अगर उन्होंने फीस जमा नहीं की तो उन तीनों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अनीता कह रही थी उसे कुछ नोट्स लाने के लिए 2,000 रुपए भी चाहिए। क्या? अब 8,000 रुपए
हम कहाँ से लाएंगे? कोमल बेटा, तू मेरी ये दवाई वापस कर दे और साक्षी जानवी अनीता को वो पैसे भेज दे। नहीं माँ, आपको दवाई लेना बहुत जरूरी है, हम आपकी दवाई वापस नहीं कर सकते। कोमल दीदी, दर्पण मालिक से ले ले क्या उधार पैसे? नहीं पायल, पहले ही हम पर उनके 50,000 रुपये का कर्जा है, अब और पैसा लेना सही नहीं रहेगा उनसे। देखो 5,000 रुपये तो हमारे पास है, बस 3,000 रुपये की ज़रूरत है हमें। मैं कहीं से पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। अगले दिन कोमल उस गांव के किसी और आदमी से 3,000 रुपये उधार लेकर वो 8,000 रुपये अपनी बहनों को शहर भेज देती है। इसी तरह दिन गुजरते गए। 3 महीने में 4 महीने में साक्षी, जानवी, अनीता फोन लगाकर अपनी बहनों से पैसा मांगा करते रहे और कोमल पायल कर्ज ले लेकर पेट काट काट कर अपनी बहनों को पढ़ाई का खर्च देने लगे। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। साक्षी, अनीता, पायल अब अपने गांव, अपने घर आ चुके थे, उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। एक दिन सवेरे साक्षी, जानवी और अनीता तीनों को शहर की कंपनी से नौकरी का कॉल आता है। माँ, कोमल दीदी, हमें शहर की कंपनी में नौकरी मिल गई है, हम शहर जा रहे हैं माँ और वहीं रहेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज तुम तीनों अपने जीवन में कामयाब हो ही गई हो। माँ, हम शहर से आपको पैसा भेज दिया करेंगे, देखना अब आपके गरीबी के दिन बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। 2 दिन बाद तीनों शहर चली जाती हैं और वहाँ एक कंपनी में नौकरी करके वहीं रहने लगते हैं। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। इन 4 महीनों में एक भी बार साक्षी, जानवी, अनीता ने अपनी बहनों और माँ को फोन नहीं किया था। एक दिन रात में, माँ, साक्षी, जानवी, अनीता जब से शहर गए हैं उन्होंने एक भी बार हमें फ़ोन नहीं किया, वो तीनों वहाँ ठीक तो होंगे ना? उन्होंने एक पैसा भी नहीं भेजा हमें शहर से अभी तक। हाँ माँ, साक्षी ने तो कहा था ना कि वो हमें शहर से पैसे भेजेंगे, यहाँ कर्जादार हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, वो बार बार हमसे पैसे मांग रहे हैं। हो सकता है वो तीनों अपने काम में व्यस्त होंगे। उसके बाद कोमल, पायल और विमला, ये तीनों के भूखे रहने के दिन आ चुके थे और इधर साक्षी, जानवी, अनीता शहर में अपनी मस्ती में अपना जीवन बिताए जा रहे थे। इन तीनों ने अपनी बहनें और माँ को एकदम से भुला दिया था। कुछ दिन बाद पैसे ना मिलने पर दर्पण विमला और उसकी बेटियों को उनके घर से निकाल देता है और उनके घर पर कब्जा कर लेता है और बाकी लोग अपने पैसे के बदले विमला के घर का सारा सामान, सारे कपड़े, सब कुछ ले लेते हैं। तभी विमला और उसकी दोनों बेटियां फुटपाथ पर आ जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। एक दिन रात में अचानक तेज बारिश हो रही थी और तीनों बारिश के पानी में काफ़ी गीले हो चुके थे। तभी विमला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दीदी, माँ की हालत तो ख़राब होती जा रही है, हमें माँ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। पायल, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे ले जाएं माँ को हॉस्पिटल? मैं एक बार साक्षी को फ़ोन लगा कर देखती हूँ, शायद इस बार उसका फोन लग जाए। कोमल साक्षी को फोन लगाती है तो इस बार साक्षी का फोन लग जाता है, पर साक्षी फोन उठाती ही नहीं। तभी जैसे तैसे कोमल, पायल अपनी बीमार बूढ़ी माँ को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तभी विमला की सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। ये देखकर पायल, कोमल जोर जोर से रोने लगते हैं। 2 दिन बाद कोमल, पायल बीमार फुटपाथ पर पड़े थे। तभी साक्षी, जानवी, अनीता तीनों शहर से अपनी कार में गांव आते हैं। तभी कार में से उनकी नज़र पायल, कोमल पर पड़ती है जो फुटपाथ पर लाश की तरह पड़े थे। ये देखकर तीनों उनके पास आते हैं। अरे बाप रे, कोमल दीदी, पायल दीदी, अरे क्या हो गया आप दोनों को? पायल दीदी, कोमल दीदी, उठिए ना। कोमल और पायल का शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था। तभी तीनों बहनें दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां उनका ट्रीटमेंट होता है। थोड़े समय बाद, कोमल दीदी, ये कैसी हालत हो गई आप दोनों की, माँ कहाँ है? तभी कोमल बीते सारे दुखों के बारे में विस्तार से अपनी तीनों बहनों को बताती है। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया और तुम नौकरी करने के बाद अपनी बहनों और माँ को भूल गई, तुमने हमें एक फोन तक नहीं किया,
हमारे हाथों घर चला गया, सामान चला गया, माँ तड़प तड़प कर मर गई, पर तुम्हें हमारी याद नहीं आई। ये सुनकर तीनों खूब रोने लगती हैं। हमें माफ कर दो कोमल दीदी, शहर के माहौल और वहाँ के रहन सहन में हम आप लोगों को भूल गए थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो दीदी। तीनों बहनें कोमल पायल के कदमों में गिरकर उनसे रो रो कर माफी मांगती हैं, पर कोमल पायल उन्हें माफ नहीं करती। तभी तीनों बहनें घुटनों के बल हाथ जोड़े अपनी बहनों से माफी मांगती हैं। ये देखकर कोमल पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहनों को माफ कर देती है, जिसके बाद साक्षी, जानवी, अनीता तीनों अपनी बड़ी बहनों को अपने साथ शहर लेकर चली जाती हैं और वहां उनके साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताती हैं। माँ, अब मैं क्या करूं, बाहर आऊं या ना आऊं? अरे बेटी, अभी तू बस यहीं पर बैठी रह, जब तक वो लोग तुझे बुलाएंगे नहीं तुझे बाहर आना नहीं है। रूपाली ऐसा कहकर बाहर मेहमानों के पास चली जाती है। ये लीजिए, मैं आप सभी के लिए चाय लेकर आई हूँ। सभी लोग चाय के कप उठा लेते हैं, तभी शकुंतला कहती है, अरे बहन जी, मुझे तो लगा था कि चाय के कप तुम्हारी बेटी लेकर आएगी। अब ऐसे कहाँ है तुम्हारी बेटी, कहीं दिखाई नहीं दे रही, बुलाओ तो सही उसे, आखिर मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली बहू कैसी लगती है। शकुंतला की बातें सुनकर रूपाली थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ बहन जी, आपकी बेटी की तबीयत तो ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात है तो हमें आप बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं बुला देती हूँ अपनी बेटी को अभी। रूपाली तुरंत ही अपनी बेटी निशा को आवाज लगा देती है। निशा जैसे ही सभी मेहमानों के सामने आती है, सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे क्या यही है वो लड़की जिससे आप मेरे बेटे का रिश्ता करवाना चाहती हो? बहन जी, आपकी बेटी के हाथ कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, और मैं इतने बड़े हाथ वाली लड़की से अपने बेटे की शादी तो नहीं करवा सकती। पता नहीं आपकी बेटी घर के काम काज सही से करती होगी या नहीं। बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी के हाथ बेशक लंबे हैं लेकिन वो घर के सारे काम कर लेती है, उसे सब कुछ आता है। अगर आपने मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दी तो मेरी बेटी आपके पूरे घर को अच्छे से संभाल लेगी और सब लोग खुश रहेंगे। तभी शकुंतला का बेटा अमित कहता है, नहीं माँ, अगर आप एक बार को सोचते भी हो कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। अरे जरा सोचो, अगर ये लड़की मेरे साथ चलेगी तो कैसा लगेगा, सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। चलिए बहुत हुआ, अब यहाँ से चलते हैं। अमित इस प्रकार से बेचारी निशा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करके वहां से चला जाता है, जिसके चलते निशा और रूपाली भी कुछ नहीं कर पाते। निशा बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहां सभी मेहमानों के जाने के बाद रूपाली अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे में आती है और कहती है, तुम परेशान क्यों होती हो, देखो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ऐसे तो चलता ही रहता है, देखना बहुत जल्द तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा और तुम बहुत खुश रहोगी, ये मेरा तुमसे वादा है। रूपाली ऐसा कहकर अपनी बेटी को झूठा दिलासा दे देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी कोई रिश्ता देखा जाता तो हर कोई निशा के लंबे हाथों की वजह से रिश्ते के लिए मना कर देता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और इस बार रूपाली ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए ठान ली थी। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी करवा कर ही रहूंगी, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। रूपाली के घर पर उसकी बेटी को देखने के लिए मेहमान आते हैं, लेकिन इस बार रूपाली अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर मेहमानों के आगे आने ही नहीं देती और बातें घुमाकर रिश्ते को पक्का कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन निशा शादी करके अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी सास उसका गृह प्रवेश करती हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। घर के अंदर आते ही चांदनी को निशा के लंबे हाथ और उसका काला चेहरा दिखाई देता है। निशा, ये तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? अरे मैंने तो सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी बहू के हाथ लंबे हैं, और देखो तो सही, बिल्कुल कोयले की तरह काली है, कहीं तुम किसी कोयले की खदान में तो नहीं रहती थी।
चांदनी अपनी बहू के लंबे हाथों का और उसके काले रंग का मजाक उड़ाकर बात को टाल देती है, लेकिन उसके बेटे को अपनी पत्नी निशा के लंबे हाथ और उसका काला रंग जरा भी पसंद नहीं आता। जिस धोखाधड़ी में मेरी शादी तुमसे हुई है, उसके चलते मैं तुम्हें अपनी पत्नी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे बताया गया था कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर और परफेक्ट है, लेकिन एक तो तुम काली, ऊपर से तुम्हारे लंबे हाथ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए इस बिस्तर पर मैं सोऊंगा और तुम नीचे बिस्तर बिछा कर सोओगी। पहले दिन से ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं। ये सब देख कर बेचारी निशा को बहुत दुख होता है, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकती थी। इसी के चलते कुछ समय बीत जाता है और अब युवराज निशा से छोटी मोटी बातों पर भी लड़ने झगड़ने लगता है। कभी मेरा पर्स मेरी सही जगह पर नहीं होता, तो कभी मेरा लैपटॉप कहीं और होता है। अरे तुमने क्या ठेका ले रखा है मेरी हर एक चीज को छूने का? आइंदा अगर तुमने मेरी किसी भी सामान को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी सभी चीजों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। किसने बोला कि तुम मेरी पत्नी हो? कान खोल कर मेरी बात सुन लो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो और अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। युवराज निशा को अपने पास से भगा देता है। उसी रात वह एक बहुत सुंदर और गोरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। ये तूने क्या किया? तेरी तो पहले ही एक शादी हो चुकी है और अब तू दूसरी शादी करके घर पर एक और बहू ले आया? हाँ माँ, मैं तनीषा से बहुत प्यार करता हूँ। कम से कम तनीषा आपकी पसंद की लड़की से खूबसूरत तो है और ये मेरे साथ चलती हुई अच्छी भी लगेगी। जिससे आपने मेरी शादी करवाई है उसके साथ तो मैं एक पल भी खड़ा नहीं हो सकता। ये सुनकर निशा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी गोरी सौतन का स्वागत करती है और उसका अच्छे से गृह प्रवेश भी करती है। आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। चलो, कोई तो है जिसे इस घर के अंदर उसकी सही जगह मिलेगी। गृह प्रवेश के बाद बेचारी निशा रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। उसे बहुत दुख होता है। वहीं तनीषा बहुत ज्यादा घमंडी लड़की थी, उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। अरे तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये मेरा और युवराज का कमरा है, चलो यहाँ से बाहर निकलो। और सुनो, जाने से पहले मेरे थोड़े पैर दबा के जाना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही निशा अपने लंबे काले हाथों से तनीषा के पैर दबाने वाली होती है, तभी तनीषा उसे कहती है, छी 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 छी, दूर रखो अपने ये गंदे काले हाथ, मेरे शरीर को छूने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह काला हो जाएगा। और चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी गंदी शक्ल कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तनीषा के इस तरह बोलने पर बेचारी निशा वहां से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे तनीषा घर में सभी को बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो किसी से भी इज्जत से बात नहीं करती, यहाँ तक कि वो अपनी सास चांदनी से भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बर्ताव करती है। वहीं दूसरी तरफ तनीषा का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अलग था। उसे छोटे कपड़े पहनना इतना पसंद था कि वह युवराज की भी एक नहीं सुनती थी। एक दिन कपड़ों के चलते उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब बाहर निकलती हो तो थोड़ा सही कपड़े पहनकर निकला करो, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। तुम होते कौन हो मेरे लाइफस्टाइल के बारे में बोलने वाले? देखो, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मेरे लाइफस्टाइल को चेंज करो। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा पहनूंगी और वैसे ही रहूंगी। और अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तनीषा उसी दिन युवराज को छोड़कर चली जाती है। युवराज को इसका बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपने कमरे में रो रहा होता है, तभी वहां निशा आती है और युवराज को संभालने की कोशिश करती है। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम लोग गलत ले लेते हैं, लेकिन जो पास में है उसकी कदर करो। निशा के समझाने पर युवराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके चलते वह निशा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दिल की कितनी साफ हो और इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मेरी पसंद की लड़की एक मिनट में मुझे छोड़कर चली गई। जो हुआ उसे भूलकर अब एक नई शुरुआत करते हैं। युवराज अपनी गलती का पछतावा करता है और निशा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जिसके बाद निशा और युवराज दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।